प्रेम से बोलिए श्री आनंदमयी मात की जय। माँ से प्रश्न है, माँ स्वप्न क्या सच वस्तु है? माँ जागृत की दृष्टि से स्वप्न जैसे मिथ्या है, तत्वज्ञ की दृष्टि से जागृत जगत भी उसी प्रकार मिथ्या है। प्रश्न, सच्चिदानंद का स्वरूप कैसा है? माँ सच्चिदानंद का स्वरूप जिसके पास प्रकाशित है वह जाने। एक बात है, कोई कोई विग्रह द्वारा सच्चिदानंद रूप भगवान का भजन करते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। जो भगवान को पाता है वही जानता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ है उसको समझना मुश्किल है। कोई महात्मा अपनी शक्ति द्वारा किसी को भगवान का दर्शन कराए वह और बात है। जो रसगुल्ला खाता है वही उसके स्वाद का अनुभव करता है। उस अनुभव का वर्णन शब्दों से करना संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति का अनुभव भी शब्दों द्वारा वर्णित नहीं हो सकता। भाषा की शक्ति सीमित है। प्रश्न, स्वाद लेने की इच्छा हो तो क्या करें? माँ, भगवत प्राप्ति के मार्ग में जाओ। जैसा गुरु कहें वैसा साधन करो तो होगा। प्रश्न, सत चित और आनंद ये क्या एक से एक बढ़कर तत्व हैं? माँ, सत स्वरूप भगवान है, चित स्वरूप भी भगवान है, आनंद स्वरूप भी भगवान ही है। प्रश्न, सत चित आनंद से परे कोई और वस्तु भी है? माँ, पहले सत चित आनंद को तो पालो, पीछे आगे की बात। प्रश्न, मां संसार में मन नहीं लगता, क्या करूं? मां संसार में मन नहीं लगता है यह तो खुशी की बात है। यदि सांसारिक पदार्थों में सुख बुद्धि लग गई तो फिर अपने मूल घर में कब जाओगे? जिसका विदेश में मन लग गया है उसको अपने असली घर की याद कैसे आएगी? प्रश्न, जीवन का प्रयोजन क्या है? मां भगवान की सेवा, भगवान की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है। प्रश्न, भगवान तो खुद ही बहुरूपियां हैं? मां हां, उनके अनंत रूप हैं, जहां अंत नहीं वहां ही बहुरूप है। प्रश्न, मंत्र चैतन्य किसको कहते हैं? माँ, जब मंत्र चैतन्य होता है तब जैसे तुम इस शरीर के साथ बात कर रहे हो वैसे ही तुम अपने इष्ट के साथ बात कर सकोगे। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। जैसे तुम इस शरीर को देख रहा है या यह शरीर तुमको देख रहा है वैसे ऋषि लोग मंत्रों को देखते हैं। जागृत मंत्रों द्वारा जिसको उद्देश्य करके मंत्र उच्चारित होता है वह खुद सम्मुख आ जाता है। प्रश्न, यह सब कैसे शक्य होता है? मां, सिर्फ गुरु कृपा से। प्रश्न, तुम तो सदैव एक ही बात कहती हो। मां, दूसरी बात है ही नहीं, एक ही है। एक को छोड़ देने से एकाग्रता कैसे प्राप्त करोगे? और यदि मन की एकाग्रता नहीं हुई तो भगवत प्रकाश कैसे मिलेगा? प्रश्न, कृपा का स्वरूप क्या है? मां, कृपा तो अनुभव की बात है। कृपा से तुम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो, यह भी कृपा का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप होता है, करुणा का भी स्वरूप होता है। प्रश्न, कृपा क्या प्रकाश स्वरूप है? मां, तुम जो देख रहे हो वह प्रकट कृपा है। बाहर प्रकाशित ना हो ऐसी अप्रकाश्य कृपा भी होती है। जैसे वृक्ष किसी को निमंत्रण नहीं देता और ना किसी को भगाता है, जो उसकी छाया में बैठता है उन सबको शीतलता और शांति देता है, वैसे ही महात्माओं के श्री चरणों में बैठने से सच्ची शांति मिलती है। प्रश्न, भगवान यदि कृपा ना करें तो? मां, कृपा करना भगवान का स्वभाव है। तुम अपना पात्र सीधा रखो तो भर जाएगा और उल्टा रखो तो बह जाएगा। भगवान जो कुछ करते हैं वह मंगल ही करते हैं। कौन बच्चे को कैसे पालन करना यह पिता जानता है। पिता कभी मारता भी है तो वह भी कृपा ही है।
भगवत राज्य में कृपा ही कृपा है, वहां अकृपा को स्थान है ही नहीं। तुम समझते हो कि अमुक कार्य में उनकी कृपा नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक होती है अनुग्रह कृपा और एक होती है निग्रह कृपा। आवश्यकता पड़ने पर विपद देकर विपद हरण करते हैं, यह निग्रह कृपा है। क्रिया जगत में जहां गति है वहां अनेक गति है, भगवत कृपा की भी अनंत गति है। प्रश्न, साधना भी क्या अनंत है? साधना के अंत में क्या अनंत की प्राप्ति होती है? मां, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो तब तक साधन करते रहो, अवश्य प्रकाश मिलेगा, वे स्वयं प्रकाशित होंगे। शून्य में भी पूर्ण है, वह हर जगह में पूर्ण है। साधन करो तो उनकी करुणा कृपा का प्रकाश किसी भी जगह किसी भी क्षण हो सकता है। एक में अनंत है और अनंत में एक है, असली तत्व का भाषा में प्रकाश नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलिए, शिष्य आनंदमयी मात की।